बिजनौर खबर टीवी में आपके स्वागत है। बिजनौर में मची अफरा तफरी, संदिग्ध परिस्थितियों में मिली युवती की लाश। मृतिका के परिजनों ने एसपी ऑफिस के बाहर लाश को रखकर जताई हत्या की आशंका। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर के गांव गावड़ी बुजुर्ग में सोमवार की शाम एक युवती की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में उसके ही मकान में पड़ी मिली थी, जिसे देख परिजनों में कोहराम मच गया था। वहीं आज बुधवार को मृतिका के परिजनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर गांव के ही रहने वाले सुरेंद्र नाम के युवक पर मनीषा की हत्या करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने बताया, सुरेंद्र मनीषा का पड़ोसी है और उसने मनीषा की नहाते समय एक वीडियो बना ली थी, जिसके बाद सुरेंद्र मनीषा के साथ संबंध बनाने के लिए उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अगर संबंध नहीं बनाए तो वीडियो वायरल कर दूंगा, ये धमकी देता था। जब मनीषा ने ये बात अपने परिजनों से बताने की बात कही तो सुरेंद्र घबरा गया और अपने साथी के साथ मिलकर उसने मनीषा की गला दबाकर हत्या कर दी। हालांकि अभी पुलिस मामले की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल घटना से परिजनों में मातम छाया हुआ है। आज ये एसपी ऑफिस आए हैं, क्या मामला? ये एसपी ऑफिस इसलिए आया साहब, हमारे गाँव में एक लड़की 18 साल की नाबालिग, और उस लड़की के नहाते हुए फोटो वो कर ली, वीडियो बना ली। एक लड़के ने गांव के पड़ोसी नहीं बिरादरी उनका ही, और उसे वो ब्लैकमेल करने लगा कि संबंध बना मिससे या मैं इसे उसमें ग्रुप वो पिक्चर भी बनाता है ना, ये वीडियो कौन सी बनाता, वो हीरो है, मैं भेज दूंगा आप पे, वो रोमियो पोमे लिखता है अपने को और अपने नाम का आगे इसे मनीषा का नाम जोड़ता है, पत्नी प्यार मेरा प्यार मनीषा, तो ये मैं घेरूँगा आपको। तो उसके बाद उन्होंने जब लड़की से बदतमीजी करी, लड़की ने कहा मैं मम्मी पापा से कहूँगी, और उसमें जो है उनने कहा तो वो डर गए वे, और डर गए तो उन्होंने दो लौंडे और पकड़े। घर पे कोई था नहीं, उस लौंडे झाड़ू लगा दी, खींच के ले गए और उसकी नाल घोर दी। क्या नाम है लड़कों का? लड़के का नाम सुरेंद्र, दो उसके साथ देखे नहीं, वो साथ में मुंह भेजे उन्होंने, दोनों गवाह हमारे पास, और उन्हें जी जो थोस भी देते हैं।